हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ बीसीए सिस्टम। बीसीए सिस्टम जो है बायोफार्मास्यूटिक्स, इसका फुल फॉर्म होता है बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, सो बेसिकली बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ अ सिस्टम विच क्लासीफाई द ड्रग्स, विच क्लासीफाई द ड्रग सबस्टांस। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो भी ड्रग्स हैं, ठीक है ना, ड्रग सबस्टांस को क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है ना, ड्रग सबस्टांस विच इज़ क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिनिमम एक्वस सॉल्युबिलिटी। मीन्स के अंदर जो है ड्रग की सॉल्युबिलिटी और ड्रग की परमिएबिलिटी चेक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रग सबस्टांस। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर जो है आपके ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है और ड्रग की जो परमिएबिलिटी है वो उसकी क्लास के अकॉर्डिंग चेक की जाती है। ठीक है, सो मिनिमम सॉल्युबिलिटी, मिनिमम एक्वस सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मीन्स जो भी ड्रग्स है इसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी क्या है और इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो कितनी है। ठीक है, सो मिनिमम एक्वस सॉल्युबिलिटी, जैसे कि किसी भी ड्रग की जो पीएच होती है, ठीक है, पीएच रेंज बेसिकली 1 to 7 होता है। ठीक है, 1 to 7 पीएच रेंज होती है ड्रग्स की। ठीक है, सो हमने देखा कि इसके अंदर बीसीए सिस्टम के अंदर हम उसकी क्लासिफाई करते हैं ड्रग्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सबस्टांस एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिनिमम सॉल्युबिलिटी एंड देयर पीएच, और उसके बाद में इसकी एंड इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया कि ड्रग सबस्टांस की सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे हम और ड्रग सबस्टांस की बेसिकली परमिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, सो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, सो बेसिकली इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मीन्स इसकी एब्जॉर्प्शन रेट देखते हैं। ठीक है, मीन्स जो भी ड्रग्स है इसकी एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो कितनी है। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन रेट को बेसिकली इसमें डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, बीसीए सिस्टम के अंदर। सो एक चीज़ और कि जो बीसीए सिस्टम है, बीसीए सिस्टम के अंदर ये बेसिकली बीसीए सिस्टम जो है आपका ये ड्रग्स से रिलेटेड है। ठीक है, मीन्स इसकी जो स्टडी हम कर रहे हैं ये ड्रग्स की स्टडी कर रहे हैं। मीन्स अगर कोई भी ड्रग सपोज मान लो मार्केट के अंदर लॉन्च्ड होता है, मार्केट के अंदर आता है, तो उससे पहले इसकी बहुत सारी रिसर्च होती है, बेसिकली रिसर्च स्टडी की जाती है, और वो रिसर्च स्टडी प्री क्लिनिकल होती है एंड देन क्लिनिकल होती है, जो कि क्लिनिकल स्टडी बेसिकली हेल्दी वॉलेंटियर्स के ऊपर की जाती है और प्री क्लिनिकल स्टडी एनिमल्स के ऊपर लेबोरेटरी के अंदर की जाती है। ठीक है, सो रिलेट बीसीए सिस्टम इज़ रिलेटेड टू ड्रग्स, और इसमें हम क्या देखते हैं, इसके अंदर जो भी ड्रग्स की मेन इंग्रेडिएंट्स है उसको देखा जाता है। ठीक है, सो इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, मीन्स किसी भी ड्रग की जो मेन इंग्रेडिएंट्स है और इस मेन इंग्रेडिएंट्स के पीछे जो है जो भी आपकी रिसर्च स्टडी परफॉर्म की जा रही है। ठीक है, रिसर्च स्टडीज़, और ये रिसर्च स्टडीज़ हम किस लिए कर रहे हैं, बेसिकली इसके अंदर हम ये चेक कर रहे हैं कि ड्रग जो है वो कितना परसेंट जो है आपका सॉल्युबल है और इसकी परमिएबिलिटी जो है वो कितनी है। सो इसके अंदर हम इसकी क्लासेस में बेसिकली किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी और बेसिकली किसी भी ड्रग्स की परमिएबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, परमिएबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासेस ऑफ बीसीए सिस्टम। सो बीसीए सिस्टम इज क्लासिफाइड इन 4 क्लासेस। ठीक है, फर्स्ट क्लास हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमिएबिलिटी ड्रग्स। मीन्स अगर हम ड्रग को ओरल रूट से देते हैं तो ओरल रूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी हाई होगी और उसकी जो परमिएबिलिटी है ड्रग्स की वो भी हाई होंगी। ठीक है,
फर्स्ट क्लास में, ठीक है. सो दिस क्लास ऑफ ड्रग्स आर कंसिडर्ड सुटेबल फॉर ओरल रूट, क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है और जो इसकी परमिएबिलिटी है वो बेसिकली हाई है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास लो सॉल्युबिलिटी और हाई परमिएबिलिटी ड्रग्स, मीन्स इसकी जो डिजोल्यूशन रेट है वो बेसिकली लो है, ठीक है. सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ओरल रूट, इसलिए ये ओरल रूट के लिए बेसिकली सुटेबल नहीं है. बट दे रिक्वायर्स इन्हांसमेंट इन इट्स डिजोल्यूशन बाय अदर मेथड. अगर हम इसको किसी अदर मेथड से देते हैं तो इसकी जो डिजोल्यूशन रेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, इन्हांस्ड कर सकते हैं. बट दिस टाइप ऑफ क्लास इज नॉट सुटेबल फॉर ओरल रूट. नाउ थर्ड क्लास, क्लास थर्ड, हाई सॉल्युबिलिटी लो परमिएबिलिटी ड्रग्स, मीन्स ये जो ड्रग है इसकी जो परमिएबिलिटी है वो लो है, ठीक है. सो इसलिए ये ड्रग जो है डायरेक्टली आपके ब्लड में नहीं जाएगी, मतलब ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचेगी, ठीक है. सो इसकी जो बायोएबिलिटी है वो लो है, ठीक है. एंड परमिएबिलिटी नीड्स टू इन्हांस्ड फ्रॉम ओरल रूट्स, और इसकी जो परमिएबिलिटी है इसके अंदर हमें इसकी ओरल रूट के लिए इसको इन्हांस करना है, बढ़ाना है, ताकि ये ईजली जो है अपनी एक्शन कर सके, ठीक है. सो बेसिकली अब नेक्स्ट क्लास है क्लास फोर्थ, ठीक है. जो क्लास थर्ड है इसके अंदर जो इसकी बायोएबिलिटी है वो बेसिकली क्या है, लो है. डैट्स वाई दिस टाइप ऑफ ड्रग्स इज़ नॉट सुटेबल फॉर ओरल रूट, ठीक है. और इस अगर ओरल रूट से हम इसको देते हैं तो इसको बेसिकली क्या करेंगे, हम इसको इन्हांस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच रही है, ठीक है, इसलिए इसकी बायोएबिलिटी जो है लो है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज क्लास फोर्थ, क्लास फोर्थ लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग्स, मीन्स जो ड्रग्स है इसकी सॉल्युबिलिटी भी लो है एंड देन इसकी परमिएबिलिटी भी लो है, ठीक है. मीन्स ये ड्रग जो है आपकी बेसिकली सॉल्युबल भी नहीं हो सकता और ये ना ही आपका मतलब इसकी डिजोल्यूशन जो है वो भी लो है, ठीक है. सो लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी ड्रग्स है पुअर एंड वेरिएबल बायोएबिलिटी, मीन्स ये ड्रग जो है ये आपकी बायोएबिलिटी भी इसकी पुअर है. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ ड्रग इज़ नॉट कंसिडर्ड एंड दे आर नॉट सुटेबल फॉर ओरल रूट, ओके. तो ये बेसिकली आपकी चार क्लासेस थी BCS सिस्टम की, ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लिनिकल ट्रायल, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल. सो क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली जो स्टडी होती है ये रिसर्च बेस्ड स्टडीज होती है, ठीक है. इसके ऊपर रिसर्च की जाती है, उसके बाद ही ये स्टडी को स्टार्ट किया जाता है. और दीज स्टडीज परफॉर्म्ड विद वॉलेंटियर पीपल, जो भी वॉलेंटियर पीपल होते हैं उनके ऊपर इस स्टडी को प्री क्लिनिकल स्टडी के बाद जो क्लिनिकल स्टडीज होती है वो हेल्दी वॉलेंटियर या वॉलेंटियर पीपल के ऊपर परफॉर्म की जाती हैं स्टडीज़, ठीक है. और क्लिनिकल ट्रायल स्टडी डन टू टेस्ट सेफ्टी, इसके अंदर बेसिकली जो भी ड्रग्स है उसकी सेफ्टी चेक की जाती है, ड्रग्स की इफ़िकेसी चेक की जाती है, और वो न्यू ड्रग्स की जाती है, बेसिकली जो भी न्यू ड्रग लॉन्च हो रही है मार्केट में उसकी, ठीक है. एंड देन न्यू सर्जरी प्रोसीजर्स की स्टडीज जो है और उसकी इफ़िकेसी और उसकी सेफ्टी को देखा जाता है, ठीक है. सो जैसे कि मैंने बताया कि विद वॉलेंटियर पीपल का मतलब ये होता है कि जो पर्सन अपने ऊपर क्लिनिकल स्टडी कराना चाहते हैं वो उसके लिए खुद सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होंगे कि अगर उन्होंने वो ड्रग्स या वो बेसिकली कोई भी वैक्सीन्स लगाई है जिसकी क्लिनिकल स्टडी हो रही है, तो उस बीच में अगर उनकी अगर जान चली जाती है तो उसके लिए वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है. तो उस तरह के पर्सन को बेसिकली बोलते हैं वॉलेंटियर पीपल. सो अब अपन नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स. फर्स्ट इज
ट्रीटमेंट ट्रायल, टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल के ये सारे टाइप्स हैं. फर्स्ट इज ट्रीटमेंट ट्रायल. सो बेसिकली ट्रीटमेंट ट्रायल में एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स होती हैं, लाइक जो भी टेस्ट है, टेस्ट ऑफ न्यू ड्रग्स की कम्बिनेशन, न्यू ड्रग्स को कंबाइंड करके उसकी ट्रीटमेंट देते हैं. फॉर न्यू सर्जरी प्रोसीजर, कोई भी न्यू सर्जरी प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी दो ड्रग को एक साथ मिक्स करके और फिर किसी भी पर्टिकुलर वॉलेंटियर पे जो है ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ट्रायल. प्रिवेंशन ट्रायल मीन्स टेस्ट ऑफ ड्रग्स, मीन्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज लाइक वैक्सीन, विटामिन्स एक्सेट्रा. सो जैसे कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए, उस प्रिवेंट करने के लिए अगर जो ट्रीटमेंट्स या जो ट्रायल्स की जाती हैं उसको बोलते हैं प्रिवेंशन ट्रायल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग ट्रायल. स्क्रीनिंग ट्रायल मीन्स अर्ली डिटेक्शन, मीन्स अगर कोई भी सर्टेन डिजीज़ या हेल्थ कंडीशंस अगर आपको ऐसे लग रहा है कि उस पर्सन में इस तरह की है तो उसको अर्ली डिटेक्ट करते हैं, डेट इज स्क्रीनिंग ट्रायल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक ट्रायल. डायग्नोस्टिक ट्रायल मीन्स डायग्नोसिस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज और कंडीशंस, मीन्स जो पीपल है उस पर्सन को बेसिकली देखेंगे कि उसके अंदर किस तरह का साइन और सिम्टम्स आ रही है तो वो चेक करते हैं आप डायग्नोस्टिक ट्रायल्स के अंदर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रायल. क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रायल में बेसिकली जैसे कि कोई भी ऐसे पर्टिकुलर डिजीज है लाइक कैंसर, तो कैंसर को परमानेंट उसको क्योर नहीं किया जा मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट उससे कुछ समय के लिए इंसान को जो है क्योर किया जा सकता है. ठीक है. मींस उस इंसान को जो है कुछ समय के लिए बचाया जा सकता है. ठीक है. सो क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रायल के अंदर इम्प्रूवमेंट कंफर्ट देखते हैं सबसे पहले, मतलब इम्प्रूव कंफर्ट जो है देखा जाता है. ठीक है. क्वालिटी ऑफ लाइफ मींस जो क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डायबिटीज़ है और कैंसर ऐसी जो बीमारियां हैं उसको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट कुछ समय के लिए उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाती है, तो इस तरह के ट्रायल को बेसिकली बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रायल्स. तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायल विच इज़ यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स. ठीक है. ये फाइव इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट ट्रायल्स हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल में, क्लिनिकल स्टडीज़ के अंदर जो है यूज़ की जाती है. ठीक है. सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं इस चैप्टर के, वो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.